बरेली थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर वार्ड नंबर 15 में आज रिहाना पत्नी आविद हुसैन ने आज रैली निकाली, जिसमें पब्लिक का जन समर्थन देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें आज ही जीत प्राप्त हो गई हो। बताते चलें, थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर वार्ड नंबर 15 में आज रैली निकाली, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। हजियापुर वासियों ने बताया कि आविद हुसैन ने समाज का काफ़ी काम किया है, इसलिए जनता आपके साथ है और हम लोगों का आशीर्वाद है, आप इस बार विजय अवश्य होंगे। इस तरह रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं अब्दुल हसन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार। आज हम थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर में हैं और हमारे साथ आबिद हसन जी जुड़ चुके हैं वार्ड 15 से। आइए जानते हैं कि यहाँ के हजियापुर वालों की क्या क्या समस्या है और उनका कैसे निवारण करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आबिद हुसैन और मैं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ। और मैं वैसे तो काफी समय से लोगों की सेवा करता चला आया हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ आगे जो लोग हैं मुझे अगर चुनते हैं तो जो काम मैंने सभासद ना होते हुए भी किया है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि और आगे ज्यादा से ज्यादा मैं उनके लिए काम करूँ। जैसे कि समस्याएं हैं, पहली बात तो यहाँ पर सड़क की समस्या है, जगह जगह सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, और फिर सबसे बड़ी समस्या है चार बूंदे अगर गिर जाती है तो एक तरीके से देखिए तो बाढ़ आ जाती है। तो ये समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मैं आगे ये कोशिश करूंगा कि इन समस्याओं का निवारण किया जाए। अच्छा, यहाँ पे स्कूल हैं? स्कूल तो हैं, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि स्कूल हैं जिसमें एक छोटा सा स्कूल है जिसमें करीब 200-250 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और एरिया काफी बड़ा है, लेकिन बच्चों को एडमिशन तक ही, सरकारी स्कूल में भी एडमिशन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ सोचा आपने, इनके लिए क्या करना है? महिला बच्चों के लिए तो मैं रेगुलर काफी समय से काम करता चलाया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जैसे कि विधवा पेंशन है, 60 साल है, और भी बहुत सी आयुष्मान कार्ड है, मैं लोगों के लिए रेगुलर काम करता चलाया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जी, तो ये थे हमारे साथ आबिद हसन जी, जिनका कहना है जो यहाँ की समस्या लोगों की है वो उनका निवारण किया जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों के आधार बनने को है, पहचान पत्र बनने को है, या विधवा पेंशन है, या रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, बहुत से ऐसे काम है जिनको किया जाएगा। आप ने ये बताया कि यहाँ के लोगों ने अगर हमें चुन के भेजा तो जो भी समस्या हजियापुर वालों की है उस सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।